वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, मेरा नाम है रवि। आज हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आए। टॉपिक का नाम है चूहा रैट्स जो हमारे गाड़ी के वायर्स खाते हैं, और काफ़ी लोगों को ये दिक्कत है। हमारे सर जो फिरोज सर है, जिनको भी तकलीफ आई थी, तो फिरोज सर ने मुझे कहा कि रवि मुझे ये गाड़ी में काफ़ी दिक्कत आ रही है चूहों की, उसका कुछ सॉल्यूशन क्या है। तो आई थॉट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैं मेरे व्यूवर्स के साथ में भी डिस्कस करना चाहूँगा और उनको बताना चाहूँगा कि इसके क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि गाड़ी में चूहे ना आए। तो अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब। बाजू में एक बेल बटन दिया है, उसे प्रेस कीजिए तो हमारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिलेंगे। काफ़ी लोगों को दिक्कतें हैं इस चीज़ की और काफ़ी लोगों को सॉल्यूशंस पता नहीं है इसके। चूहे कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उसके प्रिकॉशंस क्या है, ये आज हम वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग दोस्तों, इसको मैं तीन चीज़ में डिवाइड किया है। पहला चीज़, गाड़ी में कैसे साइंस आएंगे, कैसे पता चलेगा आपको कि गाड़ी में चूहे आ रहे हैं। आप अगर गाड़ी का बोनेट खोलते हो, इंजन का बोनेट के अंदर आपको काफ़ी वायर्स दिखेंगे, वायर्स के अंदर आपको कोई मार्किंग दिखती है कट की, बाइट मार्किंग्स, तो उसके अंदर आपको काफ़ी पता चलेगा कि ये चूहों ने खाया है, तो आपको वहाँ पे दिखेगा। काफ़ी वायर्स चूहे अगर खा लेते हैं तो हमें चेक इंजन लाइट गाड़ी में आता है। काफ़ी हाई एंड व्हीकल्स है, सब में सेंसर्स लगाए रहता है, हर चीज़ का एक सेंसर होता है और वो सेंसर पास करता है। सेंसर अगर फंक्शन नहीं करता है तो आपको चेक इंजन लाइट अंदर में आएगा, और वो चेक इंजन लाइट आने की वजह से आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस ख़राब होता है। तो वायर अगर कट हो जाता है तो पावर सप्लाई सेंसर को नहीं मिलेगा और वो चेक इंजन लाइट का इंडिकेशन आपको कार में देगा। तो आपको ये येलो जो बटन दिख रहा है, ये चेक इंजन लाइट का है। दूसरी चीज़ देखेंगे, काफ़ी सीएनजी व्हीकल्स है सिटीज़ में, सीएनजी व्हीकल्स में वायरिंग अगर कट हो जाती है तो आग लगने के चांसेस है। तो आपको अगर चेक इंजन लाइट आता है या आपको कोई दिक्कत आ रहा है जहाँ आपको पता चल रहा है कि आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस ख़राब है, तो आप प्लीज़ चेक कीजिए। सेकेंड चीज़ जो है, चूहे जब आते हैं तो बाहर से खा के आते हैं, वहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ पे बेक पॉटी करेंगे, सुसु करेंगे, तो उसका एक गंदा सा स्मेल आएगा, पॉटी के मार्क्स दिखेंगे जिसके हमें रैट शीट कहते हैं, वो देखिए। तो गाड़ी में हम लोग अगर खाने के कुछ पार्टिकल्स गाड़ी में पड़े हैं, काफ़ी लोगों को आदत होती है कि गाड़ी में खाना खाने की, तो गाड़ी में खाना खाने से बच्चे जैसे चिप्स वगैरह खाते हैं, चिप्स का कोई पार्टिकल्स गाड़ी में गिर गया या चिप्स रखा हुआ है गाड़ी में या कोई कोई फूड का आइटम गाड़ी में रखा है, तो चूहों को फ्रेगनेंस आता है खाने का और चूहे गाड़ी में आने के चांसेस है। तो अगर आपको अगर कंफर्म हो चुका है कि आपके गाड़ी में चूहे आए हैं, तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करना है, और आपकी गाड़ी में अगर चूहे नहीं आ रहे हैं तो भी ये प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपकी वायरिंग कट ना होए। दोस्तों काफ़ी खर्चा होता है वायरिंग सेंसर्स, ये काफ़ी एक्सपेंसिव पार्ट्स है, और हाई एंड गाड़ियों में मैंने देखा है BMW ऑडीज में जहाँ पे चूहों ने वायर्स काटे हैं वहाँ पे 80-90 हज़ार रुपये का भी खर्चा हुआ है। तो ध्यान रखिए, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट चीज़ हम बताएंगे आपको इससे प्रिकॉशंस कैसा फॉलो करना है। तो दोस्तों आपने ये कंफर्म कर लिया कि चूहे आपके गाड़ी में आ रहे हैं, अभी आपको कंफर्म करना है गाड़ी में चूहे क्यों आ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं गाड़ी में चूहे क्यों आते हैं। हम लोग गाड़ी कहाँ पार्क करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम लोग गाड़ी अगर गार्बेज बिन के पास पार्क करते हैं, ड्रेनेज लाइन के पास में पार्क करते हैं, तो चूहे आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ड्रेनेज लाइन में जो वेस्ट वाटर आता है, वेस्ट वाटर से फूड पार्टिकल्स का उनको स्मेल आता है। गार्बेज बिन जो होता है वहाँ पे फूड पार्टिकल्स हम लोग डालते हैं, जो वेस्ट फूड रहता है, तो वेस्ट फूड का स्मेल उनको आता है, उससे भी आने के चांसेस है। गाड़ी अगर हम लोग गंदी जगह पे पार्क करते हैं तो चूहे वहाँ पे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ जो है, कोई वैक्यूम्स पाइप है, रबर के जो पाइप्स है उसमें से जो गैस निकलता है वो चूहों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ पे वो चूहे आते हैं, उनको लगता है उनके लिए खाना रखा है वहाँ पे, वहाँ पे आके वो बाइट्स करते हैं वायर्स के ऊपर। वायर गर्म होता है, उसमें से गैस निकलता है, तो चूहे आके वहाँ पे बाइट्स करते हैं, बाइट्स करते हैं, उनको लगता है उनका खाने का चीज़ है, तो वो हमारा गाड़ी के पार्ट्स है काफ़ी डैमेज करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने एक चीज़ कन्फर्म कर ली है कि चूहे कैसे गाड़ी में आते हैं, और ये भी चीज़ कन्फर्म कर ली है कि क्या क्या मार्क्स है इसके। हम लोग अब देखेंगे कि चूहे आना हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों गाड़ी जो हम पार्क करते हैं उसे क्लीन एनवायरनमेंट में पार्क कीजिए। ड्रेनेज लाइन और गार्बेज का कोई बिन है या कोई आपके पास में कूड़ा कचरा पड़ा है, आप मेक श्योर कीजिए कि उसके आसपास में गाड़ी ना पार्क कीजिए। दोस्तों पार्किंग ये काफ़ी एक्सपेंसिव है आज के डेट में, तो काफ़ी लोगों के पास में ऑप्शन नहीं है, उन्हें गाड़ी वहीं पार्क करनी है, तो कैसे उससे बचा जा सके। तो दोस्तों एक चीज़ फॉलो कीजिए, आपके बिल्डिंग में ऑलरेडी अगर आपको चूहे रैट्स दिख रहे हैं तो आप रोडियंट पेस्ट कंट्रोल आता है वो आपके बिल्डिंग में कर लीजिए, हम लोग ये एडवाइस करेंगे, उससे चूहों का जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाता है।
चूहे वो एरिया में आते नहीं है। दोस्तों केक, काफ़ी केक मिलते हैं मार्केट में, काफ़ी लोग केक यूज़ करते हैं, केक का यूज़ मत कीजिए। केक एक पॉइजन है, उससे चूहा मर सकता है। अगर कोई दूसरा जानवर इसको खा लेता है तो वो भी मर सकता है, बिकॉज दिस इज़ अ पॉइजन। सो काफ़ी कंट्रीज़ में ये बैन भी है, इंडिया में काफ़ी इजीली अवेलेबल है, बट इसका यूज़ मत कीजिए। दोस्तों टोबैको के पैकेट्स आप इजीली अवेलेबल कर सकते हो, पान शॉप में इजीली अवेलेबल है। उसके ऊपर आप होल कर दीजिए, होल करके वायरिंग के जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट वायरिंग्स है वहाँ पे उसे बांध दीजिए। तो इसके फ्रेग्रेंस से, जिसकी फ्रेग्रेंस जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, चूहों को पसंद नहीं आती है, तो चूहे इससे आते नहीं है। लेकिन एक ड्रॉबैक है इसका, ये जल्दी ख़त्म हो जाती है इसकी फ्रेग्रेंस, 15 दिन में, 1 महीने में ख़त्म हो जाती है, तो वो काफ़ी इफेक्टिव नहीं होती है उसके बाद में। और एक दूसरा जो उसका उपाय है कि आप ब्लैक पेपर, काफ़ी इजीली अवेलेबल है मार्केट में, ब्लैक पेपर को पाउडर बना दीजिए, ब्लैक पेपर का क्रश करके, और गाड़ी के जहाँ जहाँ वायरिंग्स है वहाँ पे उसको स्प्रिंकल कर दीजिए, या एक छोटा सा आप कपड़े में बांध के ब्लैक पेपर को रख सकते हैं और इंजन के वायरिंग के आसपास में बांध के रख सकते हैं। ये देसी उपाय हो गए। अभी जो प्रोफेशनल सॉल्यूशन जो है मार्केट में, 2-3 टाइप के स्प्रे मिलते हैं। एक स्प्रे का मैं नाम बताऊंगा आपको, नो एंट्री। ये काफ़ी एक अच्छा स्प्रे, हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ये अवेलेबल है ऑनलाइन। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप कोई एक्सेसरीज, अच्छी एक्सेसरीज शॉप में जाइए, एक्सेसरीज शॉप या पार्ट शॉप, ये इजीली अवेलेबल है वहाँ पे, वहाँ से लेके कोई प्रोफेशनल के थ्रू इसे अप्लाई कीजिए। नो एंट्री का स्मेल काफ़ी हार्ड होता है, अगर आप प्रोफेशनल गेयर्स अप्लाई करके उसको नहीं लगाते हैं तो आँख में अगर वो जाता है तो आँख में इचिंग होने के चांसेस है, आँख लाल होने के चांसेस है, नाक में जब आप ब्रीथ करते हो उस टाइम पे भी अगर वो अंदर जाता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि इसके प्रोफेशनल के थ्रू ही इसको अप्लाई कीजिए। ये काफ़ी अच्छा एक स्प्रे है जिससे आपके यहाँ पे चूहे आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए। आपको कोई भी क्वेरीज है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगा उसका। दोस्तों हम लोग काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे काम कर रहे हैं, आपको ट्राई करेंगे कि अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल किया जाए। दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे एक लाल बटन दिया है उसे प्रेस कर दीजिए। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमारे यहाँ से। आपको सबसे पहले अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक बेल बटन दिखेगा, उसे प्रेस कर दीजिए, आपको मेरी वीडियो सबसे पहले दिखेंगी। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड सेफ, कीप द रोड क्लीन, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।